देखो दोस्त, अपन ने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। इससे स्रावित होने वाला हमने एक हार्मोन देखा था, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो कल आपको बताया था, पहला पॉइंट तो ये क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका वेट कितना होता है, मात्र 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, आकार किसके समान पाया जाता है इसका, मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, इसके बाद बताया था कि इससे सर्वाधिक हार्मोन स्रावित होते हैं, कितने प्रकार के, शाबाश, 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिनमें से पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन, जिसको क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन, या दूसरा नाम क्या बताया था, लव हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, एक तो मिल्क सिक्रेशन को, दूध के स्रावित होने को नियंत्रित करना बताया था, इसलिए इसका दुधारू पशुओं में इंजेक्शन लगाते हैं, और जो प्रेगनेंसी पेन होती है, प्रसव पीड़ा होती है, उसको भी कौन सा उत्पन्न करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद इससे स्रावित होने वाले हार्मोन में दूसरा आता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देखो इसका पूरा नाम नहीं पूछा जाएगा, सोमेटो ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मेन चीज इससे क्या पूछी जाती है, जो STH है, सोमेटो ट्रोपिक हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है GH। जी से अर्थ क्या है, ग्रोथ यानी वृद्धि, और एच से अर्थ क्या है, हार्मोन। अब देखो ये तो आपको पता है वृद्धि का अर्थ क्या होगा, किसी चीज के आकार में क्या होना, बढ़ोतरी होना, यानी अब ये मनुष्य में क्या करेगा, शरीर के आकार की बढ़ोतरी के लिए, यानी सीधा कहें हम हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, STH। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे, पूछ लें कि हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो हम क्या कहेंगे, STH, जिसका दूसरा नाम क्या भी है, GHB। अब आप ये बताओ कि अगर ये GH वृद्धि हार्मोन STH ज्यादा होगा तो वृद्धि अधिक होगी या कम, ज्यादा होगा तो वृद्धि ज्यादा और कम होगा तो वृद्धि कम, क्योंकि यही तो वृद्धि कर रहा है हमारे शरीर की। ठीक है, तो इसकी देखो कमी से भी रोग उत्पन्न होगा, कमी से क्या उत्पन्न होगा, सारी वृद्धि कम होगी या कम, अधिक होगी या कम हो जाएगी शारीरिक वृद्धि, बॉडी ग्रोथ, अगर कमी होगी तो शारीरिक वृद्धि भी क्या होगी, बॉडी ग्रोथ भी क्या होगी, कम, और अगर ये ज्यादा होगा तो बॉडी ग्रोथ भी क्या होगी, अधिक होगी, ज्यादा होगा। अब देखो कमी से अगर मान लो शिशु के अंदर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अगर शिशु के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो रोग उत्पन्न होता है बौनापन। कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बौनापन, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फ कह सकते हैं इस प्रकार के शिशु को। और अगर मान लो ये एडल्ट्स में, वयस्क में उत्पन्न हो, इस हार्मोन की कमी किसमें हो जाए, वयस्क में हो जाए, तो उस अवस्था को कहा जाता है साइमंड रोग। क्या कहा जाता है, साइमंड रोग। कई बार हम बौनापन में साइमंड को एक ही रोग मान लेते हैं वैसे। ठीक है, तो कमी हुई तो शारीरिक वृद्धि क्या हो गई, कम हो गई, और शारीरिक वृद्धि कम होगी तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बौना। वैसे ज्यादातर जो इस प्रकार के शिशु होते हैं, ठीक है, वो नपुंसक या बंधे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, नपुंसक या बंधेता का गुण होता है। अब देखो कमी से कौन सा हो गया, बौनापन या साइमन। अगर मान लो अधिकता हो गई, क्या हो गई इसकी, अधिकता, तो वृद्धि अधिकता अधिक होगी या कम, तो शारीरिक वृद्धि भी क्या होगी, अधिक होगी, और शरीर का आकार अधिक हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा अति कायता अर्थात गिगेंटिज्म। क्या कहा जाएगा, अति कायता यानी गिगेंटिज्म कहा जाएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसके शरीर का आकार बड़ा है वो किसका शिकार हो, गिगेंटिज्म का, अतिकायता का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लो आपको दो व्यक्तियों के एग्जाम्पल दूं, WWE में रेसलर देखे होंगे आपने, एक तो खली, ठीक है, और एक अंडरटेकर। ठीक है, इन दोनों में से एक तो अतिकायता की वजह से है और एक सामान्य है, बताओ दोनों में से कौन सा अतिकायता का शिकार है।
जबकि दोनों की शारीरिक वृद्धि देखें तो लगभग शरीर दोनों का समान है, ठीक है, दोनों का अति यानी एक प्रकार से अधिक वृद्धि है शरीर में, लेकिन इनमें से एक अतिकायता का शिकार है, तो उसकी पहचान का तरीका क्या होता है? देखो देखो, इस अतिकायता वाले रोग में जो चेहरे का आकार होता है, जैसे इस तरह पाया जाता है सामान्य व्यक्ति का, ठीक है, यानी चेहरे की लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात एक निश्चित होता है, लेकिन जब अतिकायता उत्पन्न होती है तो जो हमारी चिन यानी ठोड़ी पाई जाती है, इसकी लंबाई क्या हो जाती है? ज्यादा। अभी बताओ कौन से में, खली में है, अंडरटेकर में? खली में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसकी जो चिन है उसका साइज क्या है? ज्यादा है, यानी कौन सा शिकार है अतिकायता का? इन दोनों में से डिग्रेड खली, ठीक है। तो ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर देखो दूसरी कंडीशन देखें, अधिकता अगर वयस्क में भी उत्पन्न हो जाए ना, ठीक है, तो उस अवस्था को एक्रोमिगेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोमिगेली, ठीक है। तो ये दो कंडीशन पाई जा रही है, आप केवल अतिकायता का ही दूसरा नाम क्या याद रखोगे? एक्रोमिगेली याद रखोगे, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कंडीशन उत्पन्न होती है, कमी हुई तो क्या हुआ? शारीरिक वृद्धि क्या हो गई? कम हुई, जिसको क्या कहा? बौनापन। और अगर मान लो अधिकता हुई तो शरीर की वृद्धि क्या हुई? अधिक, जिसको क्या कहा? अतिकायता कहा, ठीक है। कई बार व्यक्ति के अंदर कोबड़ उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, देखा होगा कुछ व्यक्तियों के अंदर कोबड़ पाए जाते हैं, उस कोबड़ का कारण भी किसको माना जाता है? कई बार कोबड़ उत्पन्न होना भी किसका कारण है, किसका प्रभाव है? जीएच की अधिकता का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये दोनों मुख्य रूप से जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है किसके लिए जरूरी है? बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। दूसरा हार्मोन समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा हार्मोन हम देखते हैं, देखो प्रो लेक्टिन, ठीक है, इसको LTH भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो प्रोलेक्टिन, आप जो रूट वर्ड है एक तरह से, ऐसे ही इंग्लिश में वोकैब को याद करने के लिए, ऐसे ही साइंस में भी देखो लेटिन वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग पर जब पढ़ा था तो बताया था, जैसे लेक्ट जो वर्ड है ये किस चीज के लिए यूज होता है ये बताओ? लेक्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है बोलो? दूध का। किसका होता है? दूध का। अगर मान लो कहीं पर भी आपको लेक्ट लिखा मिल जाए ना, तो ये याद रखना उसका अर्थ है कि वो चीज किससे संबंधित होगी? दूध से। जैसे लेक्टोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? दूध का। प्रोलेक्टिन, लेक्ट आ रहा है तो किससे संबंधित हो गया? प्रोलेक्टिन हार्मोन दूध से संबंधित हो गया। ऐसे ही मान लो आपसे मैं ये कहूँ लेक्टोबेसिलस जीवाणु होता है ना, वो क्या काम करता है? बैक्टीरिया। शाबाश, दूध को दही में बदलता है, तो दूध से ही संबंधित हो गए वो भी एक प्रकार से, ठीक है। लेक्टिक अम्ल किस में होता है? खट्टे दूध या दही में, यानी लेक्ट जहां पर आए वो किससे संबंधित होगा? दूध से। तो प्रोलेक्टिन है यानी दूध से संबंधित है। अब आप ये बताओ दूध के संश्लेषित होने को, ठीक है, सिक्रिएशन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ऑक्सीटोसिन। तो इसने तो किसको कंट्रोल किया? स्रावित होने को, ठीक है, छोड़े जाने को। तो ये क्या बच गया? निर्माण, फॉर्मेशन, ठीक है, जो मिल्क का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, वो कौन सा हार्मोन करेगा? प्रोलेक्टिन। इतना समझ में आ गया? तो दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? माता में दूध का निर्माण कौन सा करेगा? प्रोलेक्टिन। इसीलिए इस हार्मोन को कहा जाता है मदर हार्मोन। क्या कहा जाता है इसको? मदर हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदर हार्मोन किसको कहते हैं? प्रोलेक्टिन को, ठीक है। दूध का निर्माण कौन सा करता है? प्रोलेक्टिन। दूध को स्रावित कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब एक चीज इस हार्मोन से थोड़ी अलग आती है, ठीक है, कई बार देखो होगा पक्षी जो होते हैं ना, ये हर समय अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, ठीक है, पक्षियों में घोंसला बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है उनको? प्रोलेक्टिन, ठीक है। जो नेस्टिंग की प्रोसेस होती है बर्ड्स में, यानी घोंसला बनाने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए कौन सा हार्मोन उनको उत्प्रेरित करता है? प्रोलेक्टिन, ठीक है। तो इसके तीन पॉइंट हो गए, दूध का निर्माण करता है इसीलिए इसको क्या कहा? मदर हार्मोन। और पक्षियों में घोंसला बनाने के लिए उनको उत्प्रेरित कौन सा करता है, उत्तेजित कौन सा करता है, स्टिमुलेशन कौन उत्पन्न करता है? प्रोलेक्टिन।
ठीक है, तीन हो गए। इसके बाद अगला हार्मोन अगर हम देखें तो इसमें अगला हार्मोन आता है वेसोप्रिन, इसको एडीएचबी कह देते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब केवल वेसोप्रिन या एडीएचबी नाम याद रख लेना, ठीक है। वेसोप्रिन का काम क्या है, देखो एक काम करता है, जब हमारा उत्सर्जन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, उस समय पानी को पुनः अवशोषित, रीएब्जॉर्वेशन के लिए, ठीक है, पानी का पुनः अवशोषण कौन सा कराएगा, वेसोप्रिन कराएगा। यानी सेधा कहें तो अपने शरीर में पानी की पूर्ति के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो वेसोप्रिन क्या कर रहा है, मूत्र से मुख्य रूप से क्या करता है, पानी को पुनः अवशोषित करता है। अब देखो मैं प्रश्न इससे बनाऊं आपके लिए एक, मान लो आपसे पूछा जाए कि जो रेगिस्तानी जीव है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऊंट से ही ले लेते हैं अपन, कैमल से, ठीक है, रेगिस्तानी जीव है, रेगिस्तान में रहने पर इसका जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है। इसका कारण कौन सा हार्मोन होता है, अब ऑप्शन में आपको चार दे दो कोई भी, तो कौन सा होगा, वेसोप्रिन। क्यों है गाढ़ा, क्योंकि इसने जल को इसमें से क्या कर दिया, पुनः अवशोषण के लिए क्या किया, उत्प्रेरित किया, ठीक है। तो जो रेगिस्तानी जीव होते हैं उनके शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता हो जाती है, एडीएच या वेसोप्रिन की, जो पानी को पुनः क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर पानी की क्या पाई जाती है, कमी, इसीलिए उनका यूरिन कैसा पाया जाता है, गाढ़ा पाया जाता है। तो उसका कारण क्या हो गया, मुख्य रूप से पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन हो गया, वेसोप्रिन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है जी टी एच हार्मोन, ठीक है। अब देखो जी टी एच जो हार्मोन है इसमें दो होते हैं, एक तो FSH और एक पाया जाता है LH, ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। इसमें आपको केवल एक याद रखना है, जो फीमेल में अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, फीमेल में जो क्या पाया जाता है, अंडोत्सर्ग पाया जाता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का अर्थ क्या होता है, जो फीमेल में ओव्यूल बनता है, अंडाणु बनता है, वो अंडवाहिनी में जाता है लगभग मुख्य रूप से 14वें दिन अंडाणु के निर्माण के बाद, ठीक है, जिस टाइम प्रेगनेंसी के चांस क्या होते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को कंट्रोल कौन सा करता है, ये FSH हार्मोन करता है। कौन सा करता है, FSH, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कौन सा होगा, FSH। इसके अलावा जो शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, या जो अंडाणु बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं, उनके लिए भी कौन सा हार्मोन होता है, GTH में FSH और LH, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है किससे स्रावित होने वाले, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। वैसे तो आपको 13 प्रकार के हार्मोन बताए थे, यहाँ पर 6 ही हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, तो ये ही ज्यादातर पूछे जाते हैं अपने एग्जाम से संबंधित, ठीक है, तो ये याद रखने हैं। इसके बाद हम अगली ग्रंथि देखते हैं, पीनियल ग्रंथि। उससे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो इसके बाद अगली ग्रंथि आती है पीनियल बॉडी या पीनियल काय, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखी है पीयूष ग्रंथि, इसके बाद कौन सी है, पीनियल काय। अगर इसके बारे में भी देखें तो ये भी हमारे कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा फोरब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसके अंदर ही ये क्या उपस्थित होती है, ठीक है। इसके बाद पीनियल काय से संबंधित देखो ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके निकनेम यानी उपनाम से संबंधित पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज देखें तो जो पीनियल ग्रंथि होती है ये अवशेषी अंग के रूप में या अवशेष के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको अवशेषी ग्रंथि भी कहा जाता है, रेसिडुअल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि अवशेषी ग्रंथि, अंग तो अनेक पाए जाते हैं, तो अवशेषी ग्रंथि किसको कहते हैं, पीनियल को, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर इसको देखें तो इससे हार्मोन कौन सा छोड़ा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है, और हार्मोन इससे छोड़ा जाता है मिलेटोनिन। हार्मोन कौन सा छोड़ा जाता है, मिले
अब देखो ये मेलेटोनिन क्या करता है, ये मेलेटोनिन जो हमारा डेली लाइफ साइकिल है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम मान लो रेगुलर 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन दोपहर में भाई फिक्स कर ले अपना कि हाँ 2 बजे सो जाते हैं, ठीक है, तो 4 या 5 दिन के बाद हमें क्या होगा, उसी टाइम ऑटोमेटिक नींद आने लगती है, ठीक है। तो जो डेली लाइफ साइकिल है, ठीक है, जैसे निंद्रा चक्र हो गया, उसमें स्लीपिंग साइकिल हो गया, ठीक है, तो उनको नियंत्रित कौन सा करता है, मेलेटोनिन। तो हम मेलेटोनिन का कार्य क्या देखेंगे, दैनिक चक्र का नियंत्रण, ठीक है, जो डेली लाइफ साइकिल है उसका नियंत्रण, जैसे उसमें कौन सा माने अपन, सोने और जागने का समय, ठीक है, कि अगर मान लो हम रेगुलर सुबह जल्दी उठते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी आंखें सुबह जल्दी खुलने लग जाती हैं, ठीक है, तो नींद समाप्त हो जाती है। तो उसका कारण कौन सा हार्मोन होता है, मेलेटोनिन। यानी सीधा हम कहें तो ये हमारे शरीर में किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक तरह से घड़ी की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, शरीर की जैविक घड़ी। ये प्रश्न 4 या 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम्स में कि बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किस ग्रंथि को या हार्मोन को जाना जाता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन किससे छोड़ा जा रहा है, पीनियल ग्रंथि से, इसे ही हम क्या कहते हैं, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और इससे संबंधित देखें, ये लगभग 10 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है, ये ग्रंथि जो होती है पीनियल ग्रंथि, 10 वर्ष की आयु के बाद क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, और कैल्शियम के कणों के रूप में होती है, किसके रूप में, कैल्शियम के कणों के रूप में क्या होती है, संचारित होती है, ठीक है, कोरोजन होता है इसका एक प्रकार से, संचारण होता है। इसीलिए इस ग्रंथि का एक अन्य नाम और रख दिया जाता है, मस्तिष्क की रेत, ब्रेन सैंड, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मस्तिष्क की रेत। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क की रेत के रूप में या नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, पीनियल को। क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि 10 वर्ष की आयु के पश्चात लगभग ये कैल्शियम के कणों के रूप में क्या होने लगती है, संचारित होने लगती है, और वो कण रेत जैसे, सैंड जैसे नजर आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वेंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, शरीर के अंदर एक तो क्या काम कर रहा है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य कर रहा है, तो एक नाम तो इसका ये हो गया, दूसरा नाम क्या रखा अपन ने, मस्तिष्क की रेत रखा, और तीसरा नाम इसका क्या है, अवशेषी ग्रंथि। इसके अलावा एक नाम और इसका याद रखना है, इसे कहा जाता है मनुष्य की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को, ठीक है। तो हर मनुष्य में से जीव वास करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि उनमें तीसरी आंख पाई जाती है, तो तीसरी आंख किसको कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि। अंतर इतना है, हमारी दिखती नहीं है, उनकी दिख जाती है, ठीक है, तो तीसरी आंख किसको कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। अब देखो हमारे शरीर में जो त्वचा वे बालों का रंग होता है, ये किसके कारण होता है, कौन से वर्णक के पिगमेंट के कारण होता है, बोलो, त्वचा वे बालों का रंग, सेल टॉपिक में बताया था किस कारण होता है। देखो त्वचा पर मैल जल्दी जमता है ना, तो इस ट्रिक से याद रख लेना, वर्णक कौन सा है, शाबाश, मेलानिन, कौन सा वर्णक है, मेलानिन के कारण हमारी त्वचा वे बालों का रंग होता है। मेलानिन ज्यादा होगा तो रंग उतना ही कैसा होगा, डार्क, सीधा कहें तो काला होगा, और रंग जितना मुख्य मेलानिन जितना कम होगा, हमारी त्वचा उतनी ही क्या होती है, ब्राउन होती है। तो सीधा कहें तो वेस्ट इंडियन में तो मेलानिन की मात्रा की क्या है, भरपूर मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जैसे क्रिस गेल को एक बार डव से धोया, ठीक है, तो फिर डव को किससे धोना पड़ा, डिटोल से, क्योंकि डव का कलर समाप्त हो गया, ठीक है। तो मेलानिन क्या करता है, मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है, कलर, और मेलानिन बनने को, मेलानिन को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। एक चीज याद रखना, अंधेरे में मेलानिन क्या होता है,
अधिक बनता है, और प्रकाश में मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम बनती है। मानते उल्टाएं कि धूप में काले हो जाएंगे, ठीक है, तो अंधेरे में मेलानिन ज्यादा बनेगा, और प्रकाश में मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम बनती है, ठीक है। और इस ग्रंथि की वजह से या इस हार्मोन की वजह से ही जो अंधे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जो जन्म से अंधे पाए जाते हैं, उनमें जनन परिपक्वता, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन एडेप्टनेस होती है, वो जनन परिपक्वता जल्दी उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है, जनन परिपक्वता क्या हो जाती है, शीघ्र उत्पन्न होती है, किस हार्मोन के कारण, मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। तो इससे प्रश्न देखो हमें क्या क्या याद रखने हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं ज्यादातर। सबसे पहली चीज, तीसरी आंख किसको कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। अवशेषी ग्रंथि भी किसको कहते हैं, रेसिडुअल ग्लैंड्स भी किसको कहा जाता है, पीनियल को। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं, पीनियल को। तीन हो गए, चौथा हार्मोन का नाम याद रखना है कौन सा है, मेलेटोनिन, ठीक है। अब इस हार्मोन के कार्य हमने देख लिए, दैनिक चक्र को नियंत्रित करना, दूसरा क्या करना, मेलानिन को कंट्रोल करना, वैसे उपापचय जो होता है हमारा, मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसको भी कंट्रोल करते हैं ये ग्रंथि, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, जैसे सोने में जागने का चक्र है, दैनिक चक्र है, उसको क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। तो ये इस ग्रंथि से संबंधित पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि हम पढ़ेंगे थायराइड से संबंधित, जिससे ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहां तक किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।